बुरहानपुर जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में जगह जगह पर अवैध कॉलोनियों की बाढ़ आई हुई है। एक साल के अंदर अवैध कॉलोनियों की संख्या दोगुनी हो गई है, लेकिन कई कॉलोनाइजरों ने कॉलोनी काटने के लिए सरकार से अनुमति तक नहीं ली है। इसी तरह एमा गिरती की संपत्ति खसरा 491/11 रकबा 0.019 हेक्टेयर में कॉलोनाइजर रईद बख्श और रऊफ मौलाना ने मिलकर पाकिजा नगर एम गिरत के नाम से कॉलोनी काटी है। कॉलोनाइजर द्वारा ग्राहकों को बिजली, पानी, रोड सहित तमाम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन ये वादे पूरे नहीं किए गए। जबकि कॉलोनी के पीड़ित लोग मकान बना चुके हैं, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखे गए। वीएसडीएम दीपक चौहान ने कहा कि कुछ कॉलोनीवासी शिकायत लेकर आए थे और जिस पर संज्ञान लेते हुए जाँच कर कॉलोनाइजर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। तो यह है कि हम जो पाकिजा कॉलोनी के अंदर रह रहे हैं तो उसके अंदर पानी, लाइट और नाली की बहुत समस्या है। इनको बार बार बोलो तो बोलते हैं कि अभी कर देंगे, आज कर देंगे, थोड़ा टाइम नहीं है हमारे पास में। और बिजली का बिल तो इतना आ रहा है कि हम भर भर के थक चुके हैं। मैं 300 पर रोज कमाने वाला दिन पानी का, ये सब देने का वादा कर रहे, देने का वादा करे, वादा पूरा कर ही नहीं रहे। शिकायत लेकर आए थे एसडीएम साहब के, हम शिकायत लेकर आए थे। क्या बोला एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब ने बोले कि पूरे सही तरीके से पूरा आवेदन बना के लेके और उसमें रजिस्ट्री की फोटो कापी सब लगा के खाता था बटन नंबर डाल के, फिर मेरे कहने आज दो तो मैं कार्रवाई करता हूँ। इनके द्वारा बताया गया है कि 2016 से इनका नाम जो है सईद बख्श, इन्होंने वहाँ पर कॉलोनी काटी थी और उस कॉलोनी में इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है, ना बिजली, पानी और नल का और रोड की, इस प्रकार की कुछ इनकी शिकायत थी। तो उस संबंध में लोगों ने मेरे पास भी जानकारी दी। क्या कार्रवाई इसमें? विधिवत हम लोग प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई।